दोस्तों जब भी किसी को जेल भेजते हैं तो जेल भेजने के बाद उसकी बेल कराना ये सबसे बड़ा एक काम बन जाता है कि हम उसे बाहर कैसे निकालें। अब मान लीजिए कोई मामला छोटा सा है चोरी का, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, चार्जशीट भी लग गई, उसके बावजूद भी बेल नहीं हुई, डायरेक्ट दिखता है कि बैंकों के साथ में घपला किया है कई करोड़ का, या फिर किसी इंसान के साथ डायरेक्ट चीटिंग की है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ऐसे मामलों में आपको आसानी से बेल नहीं मिलती। दोस्तों जब कोई जेल में बंद होता है, जेल में डिपेंड करता है कि कितनी कस्टडी वो इंसान काट चुका है, मतलब कि कई लोग सालों साल से बंद है, कुछ लोग अभी जेल गए हैं, कुछ लोग कुछ महीनों से जेल गए हैं, कई लोग वेट करते हैं बेल लगाने के लिए चार्जशीट के आने का, कई लोग चार्जशीट का वेट नहीं करते। हालांकि ज़रूरी नहीं है, मैंडेट नहीं है ऐसा कि आप पहले चार्जशीट का वेट करेंगे, चार्जशीट लगने के बाद ही बेल लगाएंगे, बेल आप कभी भी लगा सकते हैं, बट कई सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं आपके पास जिन ग्राउंड्स पर आप बेल ले सकते हैं। कोई भी इंसान जेल में है उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं, पर ये सब डिपेंड करता है केस टू केस, मतलब क्या केस है, किस सेक्शन का केस है। कई केस पॉक्सो के होते हैं, कई केस एनडीपीएस के होते हैं, कई चीटिंग फोर्जरी है, कई रेप केस हैं, कोई मर्डर केस है, तो कोई 307 का केस है, बहुत सारे अलग अलग केस होते हैं, तो सभी केस में अलग अलग तरह से ही बेल लगाई जा सकती है, सभी के ग्राउंड सेम नहीं हो सकते। पर हाँ, कुछ ग्राउंड जो कॉमन होते हैं, कुछ ग्राउंड जो सेम होते हैं सभी बेलों में, ऐसे में 5 ग्राउंड्स आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप उन 5 ग्राउंड्स को देखते हैं तो मेरा मानना है कि बेल आपकी इजीली हो सकती है और आप अपने केस से बाहर आ सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए, रेगुलर बेल कराने के लिए 5 ग्राउंड्स कौन से हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों जब भी किसी को जेल भेजते हैं तो जेल भेजने के बाद उसकी बेल कराना ये सबसे बड़ा एक काम बन जाता है कि हम उसे बाहर कैसे निकालें, क्योंकि बेल पर आप आ सकते हो, बेल पर लोग बाहर आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो किसी को जेल भेजना ये ना ही तो प्यूनिटिव है, ना ही वो प्रिवेंटेटिव है, मतलब कि सजा नहीं है ये। अभी तो किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन सब चीजों को देखा जाता है, फिर बेल आपकी हो जाती है। दोस्तों आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या कोई भी आपका सगा संबंधी अगर जेल में है, या आप कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो आपके बहुत काम का है। बेल आप कैसे कराएंगे, क्या ग्राउंड्स हैं, वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे वीडियो तो आगे और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। सबसे पहला ग्राउंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया, दो तरह के मामले हैं, या तो आपकी चार्जशीट 60 दिनों में लग जाएगी, या फिर आपकी चार्जशीट को पेश किया जाएगा 90 दिनों में। दोनों ही मामलों में देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट लगाई जाती है, पर अगर आप एनडीपीएस के मामलों में देखते हो तो इन मामलों में ऐसा नहीं होता। इन मामलों के अंदर अगर आप देखा जाए तो 6 महीने से 1 साल तक का टाइम हो सकता है चार्जशीट को पेश करने के लिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिपेंड करता है केस टू केस। तो पहला मैं आपको यही बोलूंगा कि इन्वेस्टिगेशन, तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चार्जशीट आपकी लगती है, चार्जशीट से इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट माना जाता है। एफएसएल आती है, एफएसएल रिपोर्ट में टाइम लग सकता है, बट पहला ग्राउंड आपका, आप ये मानिए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट लग गई, पहला ग्राउंड आपका बिल्कुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे ग्राउंड की। दूसरा ग्राउंड क्या बोलता है, बेल लेने का। कस्टडी कितनी आप काट चुके हो, मतलब कितने वक्त से आप जेल में हो, कितना समय आपने जेल में बिता दिया है, ये सब भी दोस्तों देखा जाता है किसी को बेल ग्रांट करने में। अब मान लीजिए कोई मामला छोटा सा है चोरी का, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, चार्जशीट भी लग गई, उसके बावजूद भी बेल नहीं हुई, 5-6 महीने उस इंसान को जेल में हो गए, तो यहाँ पर आपके वकील साहब दलील देते हैं कि कोई भी जो वो एक्यूज है वो जेल में है 6 महीने से, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 6 महीने से इंसान जेल में है, तो इस आधार पर भी बेल मांगी जा सकती है। कोई इंसान पॉक्सो से मामला 2-2.5 साल से जेल में बंद है, बेल मांगी जा सकती है। कोई इंसान 1-1.5 साल से जेल में बंद है, चीटिंग फोर्जरी का मामला है, ऐसे आधार पर बेल मांगी जा सकती है। तो कस्टडी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपकी बेल को ग्रांट होने में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जैसे दोस्तों हम लोग सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने के दौरान हमारे पास ऐसे कई सारे आज तक केसेस हैं जिन केसेस को हमने फाइट किया, लोगों की बेल करवाई, एंटीसिपेटरी बेल कराई, सुप्रीम कोर्ट तक गए लोगों की बेल कराने के लिए।
सभी केस के आधार अलग है, सभी केस के फैक्ट अलग है, सभी केस अपने आप में अलग होते हैं दोस्तों। तो सभी केसों को एक ही वीडियो में हम लेकर आ जाएं वो पॉसिबल नहीं, बट जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है मिला जुला कर सभी केसेस में जो कॉमन मुद्दे हैं बेल लेने के, कॉमन फैक्टर्स हैं बेल लेने के, उनकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करें तीसरे ग्राउंड की। तीसरा ग्राउंड क्या है आपकी बेल को ग्रांट होने का? तो तीसरा दोस्तों ग्राउंड होता है आपकी इन्वॉल्वमेंट। आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है? हालांकि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट लग गई तो उसके बाद बेल के ग्राउंड बन जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में होती है तो आपकी बेल उतनी आसानी से नहीं होगी जितनी आसानी से बाकी बेल हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान जेल जाता है तो उनके वकील साहब पर, जो भी वकील साहब केस की पैरवी करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है बेल कराने का। लगातार क्लाइंट के जो फैमिली है लगातार प्रेशर कर रही होती है बेल कराने के लिए, और ऐसे में ही वकील साहब बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आपकी आसानी से दोस्तों बेल नहीं होगी, चाहे फिर मामला कोई भी हो, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। इन्वॉल्वमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी केस में जब आप बेल लेने गए हैं। मान लीजिए चीटिंग फॉर्जरी की आप बेल लेने जा रहे हो, डायरेक्ट दिखता है कि बैंकों के साथ में घपला किया है कई करोड़ का, या फिर किसी इंसान के साथ डायरेक्ट चीटिंग की है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ऐसे मामलों में आपको आसानी से बेल नहीं मिलती। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख आपको करना पड़ सकता है तभी आपको बेल ग्रांट होगी। तो जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इन चीजों की भी आप जरूर देखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे ग्राउंड की, जो फोर्थ ग्राउंड है, जिन आधार पर आप बेल ले सकते हो अगर कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है तो आप बेल ले सकते हो, वो होता है पैरिटी। पैरिटी ग्राउंड मतलब ये होता है, मान लीजिए कि किसी केस में चार लोग जेल में बंद है, चीटिंग फॉर्जरी का मामला है, किसी भी तरह से लोगों का पैसा आपने उड़ा दिया, या कहीं पर भी आपका नाम आया और वहां पर किसी भी एक इंसान की बेल होती है और बेल होने के बाद लगभग इन्वॉल्वमेंट आपकी सेम नजर आती है, तो ऐसे मामलों में भी आपकी बेल ग्रांट कर दी जाती है। पैरिटी ग्राउंड इसको बोलते हैं। इन्हीं पैरिटी ग्राउंड पर कई लोगों की एंटीसिपेटरी बेल भी दोस्तों होती है, तो पैरिटी ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण एक ग्राउंड होता है। जब भी वकील साहब पैरवी करते हैं तो पैरिटी को देखते हैं, कितने लोगों की बेल अब तक हो चुकी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए तीन लोग जेल में बंद है, किसी की बेल नहीं हुई, तो पहली बेल कराने में बहुत मशक्कत, बहुत मुश्किल हो सकती है, बट बाकी लोगों की बेल पैरिटी के आधार पर हो जाती है। अब दोस्तों पांचवे ग्राउंड की हम लोग बात कर लेते हैं। पांचवा ग्राउंड क्या है किसी की अगर आपको रेगुलर बेल करवानी है? ये मैं ग्राउंड नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको ये बोलूंगा ये वे हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। आप अक्सर लगातार बेल लगाते रहते हो, लोअर कोर्ट में लगाते रहते हो, आपकी बेल नहीं होती, दो चार पांच बेल लगा लेते हो उसके बावजूद भी बेल नहीं होती, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट से बेल नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये एक प्रोसेस है, पर बेल हो जाती है दोस्तों। इन चीजों को भी अगर आप अपनाओगे तो बेल आप जल्दी करा सकते हो। बार बार बेल लगाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपकी लोअर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में बेल नहीं हो रही है, तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोई भी अच्छे वकील साहब आपको एडवाइस करेंगे कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी बेल हो जाएगी, और आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए अगर आप जल्दी बेल कराना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की जो जेल में बंद है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने बेल के ग्राउंड्स आपको बताए हैं आपको समझ आए होंगे। कोई भी किसी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किस सजेशन से आपका व्यक्ति, जो भी इंसान जेल में है, वो बाहर आ सके और अपने केस से भी बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।